सुबह जल्दी जल्दी उठ गया था तो कुछ काम नहीं था। हर्षिता के पापा 4 बजे आने वाले थे, आया नहीं, तो मैं सोचा नेल पॉलिश लगा देती हूँ। आप लोगों की पसंदीदा नेल पॉलिश है ये। और ब्रेकफास्ट में प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सब्जी बनाने के लिए प्याज चाहिए, रोटी सब्जी बनाने के लिए नहीं था, तो मैगी बॉयल किया। भूख भी लगा था, अभी हस्बैंड को आने के बाद कुछ देना पड़ेगा, लेकिन उसको मैगी पसंद नहीं है। सो हस्बैंड के जो ट्रेन है 4 या 5 घंटे की दूरी, मतलब लेट था, आके वो फ्रेश व्रेश हो गया, पूजा पूजा दे दिया। और मेरी सॉरी उस दिन जो शिव जी की मूर्ति लाए थे स्थापित भी हस्बैंड ने कर ही दिया था, उसी दिन किया था रात को। बिना फैन के 1 सेकंड के लिए भी मतलब रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतना ज़्यादा गर्मी दिया है और आज सुबह सुबह सारा काम ख़त्म हो गया। सारा काम इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि किचन का काम नहीं हुआ है, मतलब खाना बना नहीं हुआ है। जब ब्रेकफास्ट हुआ है, मैगी बॉयल किया था, हस्बैंड गुस्सा हो गए थे। मैं बोली प्याज वगैरह कुछ नहीं है, मैं क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँ। तो जाती हूँ थोड़ा सा सब्जी वब्जी लाती हूँ, और थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, नीचे नहीं इधर ही आसपास में थोड़ा सा जो कद्दू वगैरह कुछ भी मिले, प्याज तो लाना ही पड़ेगा। कल बंद था तो नहीं लाया था, तो आज प्याज के लिए। और आलू अंडा बॉईल किया, सोयाबीन वगैरह भी भिगो के रख के चले जाएंगे। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग, जिसके सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। इससे जो अगले जो ब्लॉग दिया था मैंने, कुछ सेंसिटिव इशू के बारे में बोल रहा था, वो मतलब इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे अगल बगल ना बहुत कुछ मतलब सुसाइड वगैरह कर रहा था, बहुत ही कम एज के लोग, बहुत ही अजीब लग रहा था। और मतलब दुख भी लगता है इस तरीके के, क्योंकि ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलता है, सो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मतलब अजीब लगता है थोड़ा सा, मतलब इतनी मुश्किल से ज़िंदगी मिलता है, लोग सुसाइड जब करता है ना, तो छोड़ो पास्ट फ्यूचर छोड़ दीजिए और प्रेजेंट में जीना जरूरी होता है। सो आज की प्रेजेंट में क्या होता है क्या नहीं होता है आप लोग जरूर देखिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हस्बैंड का ट्रेन 4 या 5 घंटा लेट था, मॉर्निंग 4 बजे आने वाले थे, और इसलिए मैं रात को सो ही नहीं पाई थी। एंटेना हर्षिता रेडी हो गया है, मैं भी रेडी होती हूँ। इसको एंटेना चाहिए, मतलब सर का सिंग चाहिए। चलो मार्केट जाने से पहले थोड़ा सा काम है, रेडी वेडी होने के बाद में भी थोड़ा सा काम बाकी है। और बहुत दिन से ये ना, बहुत दिन नहीं, 1 महीना हो गया इसका, भूल गए थे और चावल बिठा दिया था। अभी चावल होने के बाद जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम है। उधर मैं सोयाबीन सोक करने के लिए रख दिया है, 2 टाइप का सोयाबीन है, एक छोटा एक बड़ा टाइप का। और इधर छोला भिगो के रखा है, काला वाला छोला, वो इवनिंग को बनाएंगे। और ये जो डेट्स है, थोड़ा सा मतलब ड्राई फ्रूट, ये वाला मैं डेट्स कब से ले रही हूँ, जब से मुझे थायराइड का पता चला था और मुझे हीमोग्लोबिन हाई करना था और वेट कम करना था। तो इसके लिए हीमोग्लोबिन को हाई करने के लिए, थायराइड वगैरह कम करने के लिए, और भी बहुत सारी मतलब बेनिफिट होता है जो डेट्स का होता है, खजूर का होता है, लेना चाहिए। 1 महीने से पड़ा है, मैं भूल गई थी, तो आज फाइनली 2 ले लिया है। ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, जस्ट 2 ही ले लिए हैं। चावल का मार निकाल के हम लोग सब्जी खरीदने आ गए थे, एक तरबूज लिया। ब्लॉगिंग के चक्कर में तरबूज हाथ से गिर गया था, एक हाथ से कैमरा एक हाथ से काम करने में बहुत मतलब मुश्किल होता है। फिर हम लोग सब्जी वब्जी ले के अभी जा रहे हैं, सब्जी ज़्यादा नहीं था तो जो भी मतलब नेसेसिटी था वही ले लिया, थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं था, जो भी था वही ले कर जा रहे हैं। गर्मी इतना है ना, बाहर रह नहीं सकते। और इधर बहुत ही प्यारा सा पार्क था, हर्षिता को इधर खेलना था, लेकिन गर्मी भी है ना, तो गर्मी में धूप में अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी जस्ट जा रहे हैं घर। आ गए हैं और आपको दिखने में शायद लग रहा हुआ है, नहीं लग रहा, बहुत तेज़ धूप था। और ये गाड़ी में हर्षिता का क्या बोलते हैं सब खजाना वगैरह था, और मैं सब्जी वगैरह लेके आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम रह नहीं सकते, इतना वाला गर्मी है बाहर। और आते ही हर्षिता नौटंकी करने लगा था, वो पापा के साथ बैग में, बैग को थोड़ा सा धो दिया था, धो के सुखाने के लिए दे दिया था, और वो उस पर चढ़ के बैठ रहा था, पापा को बोल रहा था कि
ले उसको खेले, उसके साथ खेले खेले खेले, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अभी जूस वूस होगा। आ जाओ सभी, हमारे घर फ्रेश फ्रेश जूस मिलेगा। गर्मी इतना था ना, मतलब क्या बताओ, धूप नहीं, पानी भी गर्म, सब गर्म, रूम के अंदर तो इतना गर्म गर्म हवा आ रहा है, फ़ैन की हवा भी गर्म लग रहा है, आपके उधर पता नहीं क्या है। और वाटरमेलन जूस में थोड़ा सा काले नमक और आइस डाल दिया, बाकी कुछ नहीं। देखो टोपी है। सो हम लोग थोड़ा सा खाना बना बनाएंगे, जूस वूस पी के खाना बनाएंगे, बाकी काम तो हो गया, जस्ट किचन का काम बाकी है। और इतना गर्मी में ना ये जूस पी के बहुत आराम लग रहा है, रिफ्रेशिंग सा, क्योंकि वाटरमेलन मुझे ऐसे तो पसंद नहीं है, आज हस्बैंड है तो जूस बना के दिया, वरना क्या। और जल्दी जल्दी मैं सलाद बनाया, सोयाबीन फ्राई किया था जो हर्षिता ने ऐसे ही खा लिया, आलू सोयाबीन अंडा के करी बनाया था, और पुदीना कच्चे मैंगो की चटनी, और हर्षिता के लिए बॉयल अंडा। तो आज यही होगा, गर्मी में ना खाना वाना बनाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है, और हर्षिता खाना खाने के लिए मतलब उसको भूख लगे थे, कोई खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट कर रहे थे। और थोड़ा सा सुबह चना, क्या बोलते हैं इसको, छोला जो भिगो के रखा था ना, किचन विचन आज मैंने कुछ साफ़ नहीं किया था, इतना गर्मी लग गई थी, और छोला को फ्राई किया था अभी चाय के साथ लेने के लिए, जल्दी हो जाता है। इसको बॉईल किया था कुकर, प्रेशर कुक किया था पहले कुकर के, मतलब चाय के साथ। हर्षिता उड़ गई, कहाँ तक उड़ गई, चलो जाओ जाओ, बाय बाय, उड़ के जाओ, उड़ के ये 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 जाओ जाओ जाओ। हर्षिता चले गए थे, मैं नहीं गई थी, मैं बहुत सारा बर्तन था, बर्तन बर्तन वॉश किया। और आप में से कौन कौन चावल इस तरीके से पानी निकल के खाते हैं, ये बहुत हेल्दी वे होता है कुकर से, मतलब मैं तो ऐसे ज़्यादा नहीं कुकर में ही करती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन अभी मम्मी आने के बाद से ये वाला आदत हो गया, उनको कुकर का राइस नहीं खा पाता, तो ये जो राइस से जो ये एक्स्ट्रा पानी जो है निकाल के देते हैं ना, तो और राइस थोड़ा सा हल्का भी हो जाता है और अच्छे से हो जी भी जाता है, और ये हेल्दी होता है ज़्यादा, मतलब। तो मेरा चावल हो गया है, सब्जी है दोपहर का, गर्मी इतना मतलब दिया है ना, दो दिन थोड़ा सा कम हो गया था लेकिन अभी और फिर से बढ़ गया है। और इधर क्या है ना, हम लोग चारों ओर खिड़की विड़की खोल के नहीं रह सकता, एक रीज़न है कि चारों ओर से दिखता है, इधर से उधर पूरा मतलब देख सकते हैं। और हर्षिता देखो खेल रहा है, गर्मी बहुत है तो इसके इसलिए उसको कपड़ा नहीं पहनाया, खेल के आया है इसलिए उसको थोड़ा सा ऐसे हवा के लिए रखने देती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, उसको फैन ऑन करके रखती हूँ। सो छोटा सा कोशिश, और गर्मी में ना ये सब ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग और बाकी कुछ काम वाम करने का ना मन नहीं करता है। और कल बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होगा क्योंकि कल हस्बैंड को कुछ शॉपिंग वगैरह करना है, और ऐसे ही सब्ज़ी वगैरह भी लाने जाना है, शॉपिंग मतलब कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए, क्या बोलते हैं, फॉर्मल ड्रेस वगैरह, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। और कुछ दिन मतलब सैटरडे तक उसका छुट्टी है, घर में रहेंगे तो वही भोजन छुट्टी के दिन जितना हो सकता है। और ये मैडम मेरे पीछे पीछे पड़ा हुआ है और फेस में आपको दिखाई रहा है, बिना फैन के ना आवाज़ भी करना कितना भी मतलब मुश्किल है, मुझे एडिटिंग करने में आना चाह रहा था कि एडिटिंग कैसे करो, इतना ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए जैसे तैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक ब्लॉग बना दिया है, और इतना मतलब इनपुट नहीं कर पाई, होप आप समझ सकते होंगे, देखो पसीना कितना ज़्यादा है, इतनी गर्मी में कुछ होता नहीं, मुश्किल से
से खाना बना रात का, मतलब दिन का है, चावल से बनाया है, थोड़ा सा पापड़ फ्राई कर दूंगी तो हो जाएगा। और अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैन मिलते ही ना एक मतलब जान टाइप का आ गया ऐसा लगता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।